वेलकम स्टूडेंट इन द न्यू लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी की दो कोर टेक्निक्स होती है, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की और एक केमिकल इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम हमने वो बताया था कि इसका सेकेंड नाम, दूसरा नाम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसे ही समझना है आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द फर्स्ट कोर टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और RDNA technology. What happens in this technology? When a foreign gene, that is also known as alien gene, it is known as gene of interest, it is known as target gene, it is known as desirable gene, this foreign DNA is attached with a vector DNA. Vector DNA for cloning. The DNA which is used for cloning of a gene or a set of gene is a vector DNA. When this foreign DNA joined with a vector DNA, then a recombinant DNA is formed. And the technology which is used to construct this type of recombinant DNA is known as recombinant DNA technology. So many things we have already discussed about this technology. Now we are going to discuss how the first artificial recombinant DNA was formed, was constructed. The first artificial recombinant DNA was constructed by Stanley Cohen and Herbert Bayer in 1972. हम आगे डिस्कस करेंगे कि किन लोगों ने सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। तो आंसर है आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को, रिकॉम्बिनेंट मतलब इस तरह से फॉरेन प्लस वेक्टर को जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहली बार बनाया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने 1972 में। बट हाउ, कैसे? तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टूडेंट्स अब देखिए, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिनोरियम। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते चलें और सुनते भी चलें, फिर हम लोग एक बार अलग से समझ लेंगे। This is a bacteria named as Salmonella typhinurium. नाम है इसका Salmonella, SALMONELLA, Salmonella typhinurium. Okay? एक bacteria है साल्मोनेला टाइफिनूरियम। इसका एक जीन है जो इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। दिस इज देयर जीनोम, ये इसका जीनोम है। और एक इसके अंदर और भी डीएनए है और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। एंड दिस डीएनए इज प्लाज्मिड, इसका नाम है प्लाज्मिड। देखिए ध्यान से इसको, फर्स्ट यू सी a bacteria that is Salmonella typhinurium which have their real genome chromosomal DNA and an extra chromosomal DNA that is plasmid. Let us see, in Salmonella typhinurium plasmid a gene is present, that is a special gene. In this plasmid a gene is present and this gene, ye jo gene iske paas hai, is एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट
जीन। आप ऐसे समझिए, मैं क्या करता हूँ, इसी को डायग्रामेटिकली अलग कर देता हूँ। दिस इज द प्लाज्मिड, ये इसका प्लाज्मिड वेक्टर है, किसका, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम का प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड में एक जीन है, ये जीन, दिस इज ए जीन एंड दिस जीन इज नोन एज एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। ओके, इतना क्लियर हुआ। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट पायर ने इसी प्लाज्मिड पर, इस प्लाज्मिड पर देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में नहीं, इसका नाम पढ़ चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके इस वेक्टर से इस जीन को काट कर अलग कर दिया। तो अब देखिए, जब इसका एंजाइम का यूज़ किया होगा तो अब ये वेक्टर अलग हो गया, दिस वन इज द वेक्टर। अब प्लस इसका जीन अलग हो गया, ये था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। ये क्या था भाई, तो ये प्लाज्मिड वेक्टर था, ये प्लाज्मिड था। जब एंजाइम के थ्रू इसको काटेंगे तो वेक्टर अलग और जीन अलग, और ये था इसका जीन, और ये जीन कौन सा है, तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। एक स्टेटमेंट तो आपको ऐसे समझना है, अब आइए दूसरी बात आपको समझाते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में होता है, यहां तक। अब उन लोगों ने क्या किया, एक सेकेंड स्टेटमेंट भी समझिए। उन्होंने एक और बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था एसर्चिया कोलाई, ये भी एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एसर्चिया कोलाई, एसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया। और आप सबको पता होगा कि एसर्चिया कोलाई में भी, जैसे साल्मोनेला में एक इसका जीनोम है, तो इसका भी जीनोम होगा, ये जीनोम क्रोमोसोमल डीएनए, और इसके अंदर भी एक वेक्टर पाया जाता है, दैट मीन्स एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, और इसका नाम है प्लाज्मिड। एसर्चिया कोलाई में भी प्लाज्मिड पाया जाता है। इन लोगों ने इस प्लाज्मिड्स को बाहर निकाला, यहां से इस बैक्टीरिया से इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला। अब देखिए, ये प्लाज्मिड आ गया यहां पर, दिस इज द प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है ना, यही वाला वेक्टर जो इसके अंदर है, इसको बाहर निकाला। और इस प्लाज्मिड वेक्टर पर भी वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया जो यहां पर यूज किया था, क्योंकि साइज बराबर मिलनी चाहिए। नाउ इसके ऊपर क्या यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, देखिए आर ई मैं लिख देता हूं, दैट मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और जब इसको यूज करेंगे तो इस साइज का कट, इस जीन के साइज का कट इसमें लग जाएगा। अब देखिए, यहां पर यह हुआ, देखिए, चलिए मैं इसको ऐसे ही दिखाता हूं, क्लियर, ये रेस्ट्रिक्शन कट हो गया, ये रेस्ट्रिक्शन कट। अब उनके पास एक वेक्टर भी मिल गया प्लाज्मिड, और एक जीन भी मिल गया, और दोनों अलग अलग ओरिजिन के हैं, यह वेक्टर एसर्चिया कोलाई का है और यह जीन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम का है। उन्होंने क्या किया कि इस जीन को इसमें ला करके जोड़ा, देखिए इस जीन को इसके अंदर ला करके जोड़ा, ज्वाइन, और ज्वाइनिंग के लिए क्या मिलेगा, तो देखिए जोड़ने के बाद ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन कट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये रेस्ट्रिक्शन कट। और इस जीन को, जिसका नाम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, इस जीन को इस बीच में ला करके जोड़ दिया इन्होंने, क्लियर है, इसको जोड़ दिया। और यहां आपको याद रखना पड़ेगा
कि इन दोनों कट एंड को जोड़ने के लिए, सील करने के लिए, यहाँ सील करना अगर होगा तो यहाँ डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ किया गया। डीएनए लाइगेज, लाइगेज जोड़ने के लिए यूज होता है। इस डीएनए लाइगेज के द्वारा इसको सील कर दिया गया, सील्ड इट, इसकी क्या की गई, सील किया गया। किसके द्वारा सील किया गया, तो इस प्लाज्मिड डीएनए को इस फॉरेन डीएनए के साथ जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज, क्योंकि जब दो अलग अलग, क्योंकि जब दो अलग अलग डीएनए को हम आपस में जोड़ेंगे तो उसके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, गैप, जीएपी। तो इस गैप को सील करना होगा, तो इस गैप को सील करने के लिए क्या यूज किया गया, डीएनए लाइगेज। अब क्या हुआ होगा तो सोचिए आप खुद ही, कौन सा डीएनए बन गया होगा। तो आप स्टूडेंट देखिए ना, एक तो प्लाज्मिड ये है किसका, इसर्चिया कोलाई का, और अब पूरी तरह से जुड़ गया क्या चीज, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसे। तो ये क्या बन गया, दिस इज आर डीएनए, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने कैसे बनाया, तो देखिए यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल रिलैक्स वे में अगर हम चलें समझते हुए, तो ये वेक्टर और ये फॉरेन दोनों डीएनए आपस में जुड़ करके क्या बनाया, आरडीएनए। अब सुनिए, जब इसर्चिया कोलाई से, इस इसर्चिया कोलाई से इसके वेक्टर को निकाल करके हम ये जोड़ रहे होंगे, तो इसका मतलब इस इसर्चिया कोलाई में, ये देखिए इसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसके निकालने के बाद इस इसर्चिया कोलाई में सिर्फ इसका जीनोम रह गया होगा, दिस इज ओनली जीनोम। जीनोम का मतलब क्रोमोसोमल डीएनए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम, क्रोमोसोमल डीएनए। और प्लाज्मिड तो ऐसे आ रहा है, बाहर हमने निकाल लिया था इसको, तो अब ये प्लाज्मिड लेस है ना, और इसका प्लाज्मिड ये वाला है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं करेंगे, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बायर ने इस आरडीएनए को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, इंट्रोड्यूस आरडीएनए को उसी इसर्चिया कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दिया, ट्रांसफर किया, क्या किया, ट्रांसफर। और आप लोग पढ़े भी हैं कि एक तो आरडीएनए को बनाना भी है और उस आरडीएनए को एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस भी करना है। तो इसमें क्या किया गया, इसको मान लीजिए होस्ट सेल नाम दे देते हैं, दिस इज होस्ट सेल। और जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो अब इसके अंदर देखिए इसर्चिया कोलाई वही है, इसके अंदर इसका अपना जीनोम तो है ही, द जीनोम इज प्रेजेंट। और साथ साथ इसके अंदर एक और भी चीज आ गई, इसके प्लाज्मिड के अतिरिक्त इसके पास एक आरडीएनए भी आ गया, क्या आ गया, आरडीएनए, दिस इज आरडीएनए। अब इस इसर्चिया कोलाई में आरडीएनए भी आ गया, और हमें क्या करना है, इसी आरडीएनए को, इस फॉरेन जीन को मल्टीप्लाई करके इसके क्लोन कॉपी तैयार करनी है। तो हमने इसके बेसिक प्रिंसिपल आपको समझाए थे कि जब कभी इस फॉरेन डीएनए को, याद करिए थोड़ा सा, लर्न इन द लास्ट लेक्चर्स, व्हेन ए फॉरेन डीएनए इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, देन दिस फॉरेन डीएनए डू नॉट मल्टीप्लाई, बट व्हेन दिस फॉरेन डीएनए ज्वाइंट विथ ए क्रोमोसोमल डीएनए, ज्वाइंट विथ ए क्रोमोसोमल डीएनए, देन दिस फॉरेन डीएनए बिकम्स एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस क्रोमोसोमल डीएनए, एंड इन द क्रोमोसोमल डीएनए ए स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो दिस फॉरेन डीएनए व्हेन बिकम्स द पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, देन दिस फॉरेन डीएनए गेट ओआरआई एंड स्टार्ट टू रेप्लिकेट इन साइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इसको इसके अंदर डालेंगे तो अब आ गया
अब इसको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस होस्ट के अंदर ये फॉरेन डीएनए बार बार मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब इस फॉरेन डीएनए का नंबर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब फॉरेन डीएनए की क्या हो रही है, क्लोनिंग हो रही है। किसके द्वारा? तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के द्वारा, द फर्स्ट आर्टिफिशियल। अब देखिए इसको ध्यान से, तो ये नेचुरल तो बना नहीं, इनको इन लोगों ने काटा, काट करके जोड़ा, जोड़ करके बनाया। तो ये एक आर्टिफिशियल आरडीएनए था जिसको पहली बार किसने बनाया था, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर ने बनाया था। स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप देखिए एक्सपेरिमेंट्स को, कि द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब आइए एक बार सुनिए, फिर बाद में रिमाइंड करके इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा। द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर इन 1972। ओके, इतना क्लियर। अब सुनिए क्या किया इन्होंने। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर कट ए एंटीबायोटिक्स रेसिस्टेंट जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। काटा था कोहेन एंड बायर कट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। This is the plasmid of Salmonella typhinuria, extra chromosomal DNA having a gene, antibiotic resistant gene. By using restriction endonuclease, Cohen and Bayer cut this gene and remove this gene. This is the foreign gene, this is the antibiotic resistant gene to be cloned. This is the first step of the construction of artificial recombinant DNA. Now see second. Another type of bacteria named as Escherichia coli having a cloning vector plasmid. Stanley Cohen and Herbert Bayer in 1972 removed this plasmid from Escherichia coli. Now Escherichia coli becomes plasmidless. Cohen and Bayer cut this plasmid vector by same enzyme which was used by cutting the antibiotic resistant gene. Enzyme नहीं बदलना चाहिए क्योंकि वह enzyme particular size के cut को बनाता है। तो जिस size के हम DNA को cut करके निकाले हैं उसी size का cut इसमें लगाना है, ठीक है ना। सुनिए, by same enzyme of restriction endonuclease and now a restriction cut is formed in the Escherichia coli plasmid. Okay, then Cohen and Bayer join this antibiotic resistant gene into the cut end of plasmid vector. Then both antibiotic resistant gene and plasmid gene join together, but a gap is left because they are DNA of two different origin, heterogeneous origin. So a gap is formed. This gap is sealed by DNA ligase enzyme. So a recombinant DNA is formed. And this recombinant DNA have antibiotic resistant gene which are ligated into the plasmid vector of Escherichia coli. Now see. Finally, they, Stanley Cohen and Herbert Bayer, transfer this rDNA which have a antibiotic resistant gene into the host organism which is Escherichia coli. Host organism transfer. Now this Escherichia coli have rDNA which multiply to produce many clones of
दिस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। तो पहली बार आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया था स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर ने। कैसे किया था? तो उन लोगों ने एक बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम। साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के अंदर एक प्लाज्मिड वेक्टर है और इस वेक्टर में एक जीन है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। इसी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन की क्लोनिंग करानी थी। तो सबसे पहले इन लोगों ने इस प्लाज्मिड से इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को काट कर निकाला बाई यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये प्लाज्मिड निकाला, इसके जीन को काट करके निकाल दिया। किसके थ्रू? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। अब इसका प्लाज्मिड से ये फॉरेन जीन दैट इज द एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऑफ साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम रिलीज हो गया और इसी फॉरेन जीन की क्लोनिंग करानी थी। अब उन लोगों ने इसर्चिया कोलाई से एक प्लाज्मिड वेक्टर को निकाला और इस प्लाज्मिड वेक्टर को भी उसी एंजाइम से कट किया जिस एंजाइम से इस साल्मोनेला के प्लाज्मिड को कट किया था टू मेक द साइज कांस्टेंट। और जब इस इसर्चिया कोलाई के प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन कट मिल गया तो इसी रेस्ट्रिक्शन कट में इस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को ला करके जोड़ दिया। लेकिन प्लाज्मिड और जीन दो अलग अलग ओरिजिन के थे इसलिए इनके बीच में एक गैप लेफ्ट रह गया, दोनों एंड पर गैप बन गया। अब इस प्लाज्मिड और इस फॉरेन जीन के बीच के गैप को सील करने के लिए एक एंजाइम का यूज़ किया गया एंड दैट वाज डीएनए लाइगेज। इस एंजाइम के द्वारा इसको सील कर दिया गया तो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया जिसमें एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है और एक वेक्टर डीएनए है। फाइनली इन लोगों ने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसी इसर्चिया कोलाई में ट्रांसफर कर दिया जहां से इस वेक्टर को निकाला था। इतना तो हो गया। और जब इसको इसमें ट्रांसफर किया गया तो ये एक ऐसा इसर्चिया कोलाई बन गया जिसके अंदर आरडीएनए आ गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया। अब इस फॉरेन जीन को ORI का सीक्वेंस भी मिल गया, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म भी मिल गया। इस होस्ट ऑर्गेनिज्म को एक कल्चर मीडियम में जब मल्टीप्लाई कराया गया तो इस होस्ट ऑर्गेनिज्म का नंबर भी बढ़ा और जितना इसका नंबर बढ़ता जा रहा था उतना RDNA बढ़ता जा रहा था और जितना RDNA बढ़ता जा रहा था उतना ही उसका फॉरेन जीन का नंबर बढ़ता जा रहा था और वो फॉरेन जीन की एग्जैक्ट कॉपी बना। और इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऑफ साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम इनटू द इसर्चिया कोलाई होस्ट सेल। स्टूडेंट्स, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। हो गया स्टूडेंट्स। अब आइए मैं इसको लिखा देता हूं और आप नोट कर लीजिए। चलिए इसी स्टेटमेंट को, अब आपको नोट्स कैसे बनाना है वो भी आप लिख लीजिए। पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, कोहेन एंड बॉयर एकम्प्लिस्ड
कोहेन एंड बायर एकम्प्लिस्ड, नोट करें आप लोग, एकम्प्लिस्ड दिस इन 1972. दिस का मतलब आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दिस इन 1972. By isolating the antibiotic resistant gene, by isolating the antibiotic resistant gene, आप लोग समझ चुके हैं, उसी को मैं लिखा रहा हूँ, resistant gene. By isolating the resistant gene, antibiotic resistant gene. By cutting out a piece of DNA, by cutting out a piece of DNA, by cutting out a piece of DNA from plasmid. ऑफ कौन सा मेंबर था भाई, तो आंसर था उसका नाम था साल्मोनेला, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम. विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो कि रिस्पॉन्सिबल था, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फरिंग एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट. कटिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट, कटिंग फ्रॉम ए स्पेसिफिक पॉइंट वॉज डन by restriction endonuclease. इस एंजाइम के द्वारा हुआ restriction endonuclease, that is known as molecular seizure. अब तीसरा स्टेप, the cut piece of this DNA, that is the antibiotic resistant gene, ठीक है ना, the cut piece of this DNA was then linked, जोड़ा गया, linked with प्लाज्मिड ऑफ इसर्चिया कोलाई, इसके प्लाज्मिड से जोड़ा गया, किसके द्वारा जोड़ा गया होगा, तो डीएनए लाइगेज विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम. तो एकदम सिंपल वे में आपको समझना है कि पहला आर्टिफिशियल डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था कोहेन एंड बायर ने 1972 में. कैसे किया था, तो इन्होंने साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के प्लाज्मिड से एक जीन को कट करके निकाला,
जो जीन रिस्पॉन्सिबल था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के लिए साल्मोनेला में, उस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को काटा गया पर्टिकुलर पॉइंट से एक एंजाइम के द्वारा जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, दैट इज मॉलिकुलर सीजर या मॉलिकुलर स्कैल्पल भी कहा जाता है इसको। फिर जब जीन काट लिया गया तो उस जीन को इसर्चिया कोलाई के प्लाज्मिड से जोड़ा गया, किसकी सहायता से, डीएनए लाइगेज की सहायता से। ओके स्टूडेंट्स, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब जोड़ दिया गया होगा तो क्या बना होगा, तो आपको भी पता है कि जब किसी फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ दिया गया होगा तो उससे बन गया होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बन गया होगा। तो आइए हम लोग अब चौथे स्टेटमेंट पर चलते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट पर। फोर्थ लिखिएगा, नाउ द सर्कुलर, भाई सर्कुलर तो होगा ही होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ये भी होगा क्योंकि ORI है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो, डीएनए बना था क्रिएटेड कैसे भाई, तो इन विट्रो, इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल में बनाया गया था, इसको देखिए ध्यान से, इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इसका नाम था एंड इज नोन एज, इसका नाम था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो इन विट्रो बनाया गया था उसका नाम क्या था, आंसर था उसका नाम था रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आइए हम फिफ्थ पॉइंट्स पर चलते हैं, पांचवे पॉइंट्स पर। देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट क्या है, जब उसको साल्मोनेला वाले जीन के रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इसर्चिया कोलाई में ट्रांसफर किया गया तो उसके बारे में कह रहा है, बन तो गया RDNA, when the RDNA is transferred to, when the, this is RDNA, इसी का नाम है RDNA, when the RDNA is transferred to, RDNA is transferred to इसर्चिया कोलाई जो कि फाउंड इन कोलोन ऑफ इंटेस्टाइन, ह्यूमन की इंटेस्टाइन के कोलोन में पाया जाता है यह इसर्चिया कोलाई, फाउंड इन कोलोन ऑफ इंटेस्टाइन एंड क्लोजली रिलेटेड विथ एंड इंटेस्टाइन एंड क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के द्वारा, ठीक है ना, इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो ये बैक्टीरिया ह्यूमन के कोलोन में पाया जाता है और जिस साल्मोनेला के जीन को इसमें डाला गया था उससे बड़ा क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए इजीली एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर ले गया इसर्चिया कोलाई। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग होस्ट डीएनए पॉलीमरेज, होस्ट डीएनए मतलब इसर्चिया कोलाई के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का, होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक और बनाया
मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज को बना ले गया उसके अंदर। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये एक पूरी प्रोसेस डिस्कवर्ड की गई स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बायर के द्वारा, जिसमें कि साल्मोनेला के जीन को लिया इसर्चिया कोलाई में डाल करके इसर्चिया कोलाई के एंजाइम के द्वारा इस जीन की क्लोनिंग हुई और मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज का फॉर्मेशन हो गया। और जब मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज बनी तो इसका सीधा मतलब था दिस वॉज द क्लोनिंग, किसकी क्लोनिंग? ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ऑफ साल्मोनेला टाइफिनुरियम इन इसर्चिया कोलाई। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूं। इस चीज को मैं इसलिए रख रहा हूं कि आपको दिमाग में हमेशा बना रहे कि व्हाट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, हम इसी को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। आइए अब सब लोग नेक्स्ट हेडिंग आ लीजिए। और इस हेडिंग में आएगा कि आरडीएनए, इस आरडीएनए को बनाने में कौन कौन से टूल्स का यूज किया जाता है, किस तरह के टूल्स का यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स तो हेडिंग आ लीजिएगा आप लोग सभी लोग, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए किस किस टूल्स की जरूरत पड़ेगी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जनरली कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आई रही होंगी कि इसके लिए एक फॉरेन डीएनए चाहिए, इसके लिए एक वेक्टर डीएनए चाहिए, इन दोनों को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, इसको जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज चाहिए। तो ये चीज़ें तो चाहिए ना, क्या क्या चाहिए? तो एक फॉरेन डीएनए, एक वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड वेक्टर, और भी कोई वेक्टर हो सकता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब, फिर इन दोनों को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए, फिर दोनों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज चाहिए। तो दीज आर द टूल्स, यही तो टूल्स हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं और लिखते हैं कि कौन कौन सा टूल चाहिए। इसमें आप लिखेंगे थ्री टाइप्स ऑफ इन्वर्टेड कॉम में बायोलॉजिकल टूल्स TOOLS, टूल्स, थ्री टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स, नोट कर लीजिए फिर आपको समझा रहे हैं। थ्री टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टूल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स आरडीएनए को बनाने के लिए हमें थ्री डिफरेंट टाइप के टूल्स चाहिए एंड दे आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल टूल्स। कोई फिजिकल टूल नहीं कि आप कैंची ले लीजिए लोहे की, ना भाई, इसके लिए भी बायोलॉजिकल टूल ही चाहिए, लाइफ ऑर्गेनिज्म से निकाले गए टूल्स चाहिए।
तो थ्री टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। और वो कौन कौन से टूल्स हैं? तो फर्स्ट यू सी एंजाइम। पहला टूल क्या चाहिए? एंजाइम। नोट करिए, अभी और डिटेल भी होगा इसका। फर्स्ट एंजाइम, सेकंड क्लोनिंग वेक्टर, सेकंड इज क्लोनिंग वेक्टर, या इसको हम लोग व्हीकल डीएनए भी बोलते हैं, व्हीकल डीएनए। और तीसरा, थर्ड, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर एंड कॉम्पिटेंट होस्ट किसके लिए? तो आप लिखेंगे फॉर ट्रांसफर, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, विथ रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। थ्री टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स, एंजाइम्स, कई तरह के एंजाइम्स आएंगे, वेक्टर्स, कई तरह के वेक्टर आएंगे। तीन चीज़ें चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, क्लोनिंग वेक्टर्स चाहिए जिसको व्हीकल डीएनए हम कहेंगे, और कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल करके उसकी क्लोनिंग करा सकें, उसके नंबर को बढ़ा सकें। ओके, कम फर्स्ट आइए। फर्स्ट क्या है? एंजाइम। फर्स्ट वन इज एंजाइम। अब प्रश्न है कौन कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, कौन कौन सा एंजाइम चाहिए? तो आप लिखेंगे इसमें लाइजिंग एंजाइम, पहला चाहिए LYSING, लाइजिंग एंजाइम, लाइजिंग एंजाइम। सेकंड चाहिए क्लेविंग एंजाइम, CLEAVING, क्लेविंग एंजाइम। थर्ड सी पॉलीमरेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। नेक्स्ट डीएनए लाइगेज एंजाइम, एंड नेक्स्ट एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। अभी हम पहले वाले को डिटेल कर रहे हैं, फिर बाद में आएंगे क्लोनिंग पर, फिर बाद में आएंगे कॉम्पिटेंट पर, ठीक है? तीन चीज़ें दिमाग में रखनी है कि एक एंजाइम चाहिए हमें, एक क्लोनिंग वेक्टर चाहिए और एक कॉम्पिटेंट होस्ट चाहिए, दे आर बायोलॉजिकल टूल्स। अब कौन कौन सा एंजाइम चाहिए? तो आंसर है लाइजिंग एंजाइम चाहिए, क्लेविंग एंजाइम चाहिए, पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। आप सोच रहे हो कि रिस्ट्रिक्शन का नाम क्यों नहीं लिया है, क्लेविंग का ही नाम रिस्ट्रिक्शन आएगा। पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम एंड एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम, दीज आर द एंजाइम रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, हम टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, और आपने देखा कि ये हमें एंजाइम्स चाहिए। चलिए इस टूल्स में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और केवल बेसिक चीजों को आप समझने की कोशिश करें। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक फॉरेन डीएनए चाहिए ना, जिस डीएनए की क्लोनिंग करा करके उस क्लोन कैटलिस्ट के द्वारा हम अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो ह्यूमन वेलफेयर में जो प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने वाला जीन फॉरेन जीन होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट।
ध्यान से सुनिएगा, वैक्सीन बनाना हो, एंटीबायोटिक्स बनाना हो, मेडिसिंस बनाना हो, प्रोटीन बनाना हो, विटामिन्स बनाना हो, जो हमारे मेडिसिन फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए और आदमी के कल्याण के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वह एक जेनेटिक प्रोडक्ट होगा। और वैसे भी हर तरह का प्रोडक्ट जेनेटिक ही होता है, केवल सिंथेटिक प्रोडक्ट को छोड़ दिया जाए तो जो लिविंग्स के अंदर बनता है, लिविंग्स के थ्रू बनाया जाता है, लिविंग्स में बनता है, लिविंग्स के थ्रू बनाया जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की यदि हमें ज़रूरत है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जीन जो रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, उस जीन को ही हम लोग फॉरेन जीन कहेंगे, उसी का नाम एलियन जीन होगा, उसी का नाम जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा या टारगेट जीन होगा। अब प्रश्न ये उठेगा कि ये फॉरेन डीएनए कहाँ मिलेगा, तो आंसर है किसी न किसी सेल में मिलेगा यार। अब देखो ना कैसे मिलेगा, तो मान लो हम एक सेल ले लेते हैं, ये कोई एक सेल, भाई डीएनए जब भी मिलेगा तो सेल में मिलेगा ना। तो अब मान लीजिए ये सेल है, सेल में क्या क्या हो सकता है अपने मन से आप सोचिए। तो जनरली अगर प्लांट की सेल होगी तो उसके बाहर सेल वाल होगा, क्या होगा, सेल वाल। फिर इसके अंदर हम लोग आए तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, एक सेल वाल और एक सेल मेम्ब्रेन होगी। अंदर की तरफ क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, देखिए ये भी होगा न्यूक्लियस, ध्यान से सुनिएगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, डीएनए तो नहीं होगा, इसके अंदर क्रोमोसोम होगा, बट मान लेता हूं मैं इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, ठीक है ना। ये क्या हुआ, दिस इज क्रोमोसोम। और अगर इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को आप देखें, देखिए ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ये इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होगा, तो इसी क्रोमोसोम में डीएनए होगा, इसी में क्या होगा, डीएनए होगा, और भी चीजें होंगी बट इस क्रोमोसोम में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, किस चीज का, तो आंसर है डीएनए का। इसमें क्या क्या होगा, तो आप सुनिए, इसमें डीएनए होगा, इसमें और क्या होगा भाई, तो इसमें आरएनए होगा, इसमें और क्या होगा, प्रोटीन होगा। हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिससे कि आप हर चीज को समझ सकें। हमें निकालना क्या है, हमें सिर्फ इस डीएनए को निकालना है, इस डीएनए को, जबकि उस डीएनए के पास पहुंचने के लिए आपको सेल वाल को, फिर सेल मेम्ब्रेन को, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, फिर क्रोमोसोम को कट करते हुए आगे जाना होगा ना, तब ना आपको ये डीएनए मिलेगा। अगर एनिमल सेल होगी या बैक्टीरिया की सेल होगी, कोई भी होगा, तो मान लीजिए कि उसमें सेल वाल नहीं होगी, एनिमल की सेल में सेल वाल नहीं होगी, बट मेम्ब्रेन से तो क्रॉस करते हुए आपको क्रोमोसोम में पहुंचना होगा। और आप सपोज करें कि इसमें यहां पर एक जीन है, दिस इज फॉरेन जीन, दिस इज फॉरेन जीन जिसकी हमें जरूरत है, तो हम इस जीन को काटेंगे तो यही जीन, ये फॉरेन जीन होगा, और फिर वेक्टर के साथ जुड़कर रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। डायग्रामेटिकली केवल कॉन्सेप्ट समझिए तब आपको समझ में आता है। अब मैं आपसे कहूं कि आपको इस सेल से एक फॉरेन जीन एक्स को निकालना है, इस जीन को निकालना है, कैसे आप निकालेंगे, अपने मन से सोचिए, गिव द आंसर। मैंने आपको एक टारगेट दिया कि आप ये सेल है, ये सेल एक ए सेल है, ए सेल से एक्स एक फॉरेन जीन है, एक्स इज ए फॉरेन जीन, आप इस ए सेल से एक्स फॉरेन जीन को निकालिए जिस जीन की हम क्लोनिंग करा सकें। अब आपके सामने प्रश्न आएगा कि हम इस जीन तक कैसे पहुँचें, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, आंसर है ये जीन यहां से निकलता हुआ दिखाई देगा। इसमें कोई तो प्रॉब्लम है नहीं आपको, चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसकी सेल वाल को कट करना होगा, ध्यान से सुनिएगा, सेल वाल को कट करना होगा,
सेल मेम्ब्रेन को कट करना होगा और दोनों को कट करके सेल को ओपन करना होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई? आपको इसको निकालना है ना, तो कैसे निकालिएगा? सेल को, सेल वाल को कट करिए, सेल मेम्ब्रेन को कट करिए, फिर इस सेल को ओपन कर दीजिए, तब ये क्रोमोसोम बाहर आएगा। जब ये क्रोमोसोम बाहर आ जाएगा तो इस क्रोमोसोम में से आरएनए को डिस्ट्रॉय करिए, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? डीएनए मिल जाएगा। अब आरएनए को नष्ट कर दिया, प्रोटीन को नष्ट कर दिया, तो क्या मिला? डीएनए मिल गया। अब आपको डीएनए मिल गया, इस डीएनए को अंदर इस जीन को कट करना है, तो अब डीएनए को हम अलग अलग पीसेस में कट करेंगे तो हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहीं पर ये चीजें हैं, जैसे लाइजिंग एंजाइम जब कभी कहा गया, लाइजिंग एंजाइम, तो वह एंजाइम जो किसी भी सेल को ओपन करके डीएनए को निकालने के लिए यूज किया जाता है, सेल को ओपन करके डीएनए को निकालने के लिए यूज किया जाता है, उसी एंजाइम का नाम लाइजिंग एंजाइम होता है। और जब डीएनए निकल जाएगा तब क्या करेंगे? क्लेविंग एंजाइम का यूज करेंगे। क्लेविंग का मतलब वह एंजाइम जो इस फॉरेन डीएनए को, मतलब इस डीएनए को कट करने के यूज किया जाता है, डीएनए को कट करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? क्लेविंग एंजाइम। और ये सब तो पॉलीमरेज क्या होगा? आंसर होगा कि यह डीएनए की मल्टीपल कॉपी रेप्लिकेशन कराएगा, जो फॉरेन डीएनए निकलेगा उसका रेप्लिकेशन कराएगा। लाइगेज इस फॉरेन डीएनए को इस वेक्टर डीएनए से जोड़ने का काम करेगा। और एल्केलाइन फास्फेटेज, जो ये डीएनए निकलेगा ना, उस डीएनए के फास्फोडाइस्टर बांड को कट करने के लिए यूज किया जाएगा। जो बैकबोन होती है डीएनए की, फास्फोडाइस्टर बांड को कट करने में यूज किया जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चलिए, तो हम लोग एक एक एंजाइम का ही नाम लिखना शुरू कर देते हैं और उसके फंक्शन को समझते हैं। फर्स्ट लिखिए आप लोग हेडिंग, फर्स्ट एंजाइम कौन सा था भाई स्टूडेंट्स? आंसर था लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम कौन सा एंजाइम बोला था? वह एंजाइम जो सेल को कट करके सेल को ओपन करने के लिए यूज किया जाएगा, उसी एंजाइम का नाम लाइजिंग एंजाइम होगा। तो लिखिए द एंजाइम यूज्ड टू ओपन द सेल, द एंजाइम यूज्ड टू ओपन द सेल, सेल को ओपन करने के लिए। एंड गेट डीएनए, एंड गेट डीएनए फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कि किसी भी सेल को ओपन करके डीएनए को प्राप्त करने के लिए, सेल को ओपन करने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? लाइजिंग एंजाइम। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं लाइजिंग एंजाइम के स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट है लाइसोजाइम, फर्स्ट इज लाइसोजाइम। अगर मान लीजिए कोई एनिमल की सेल है, कोई बैक्टीरिया की सेल है, तो एनिमल और बैक्टीरिया की सेल को ओपन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? लाइसोजाइम, यूज्ड फॉर ओपनिंग, फॉर ओपनिंग किसकी सेल को बोला था? एनिमल एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल। आपको दिया गया कि एक एनिमल से जीन को निकालिए, तो एनिमल के सेल को काटने के लिए लाइसोजाइम। बोला गया कि बैक्टीरिया की सेल को काटिए, तो बैक्टीरिया की सेल को काटने के लिए लाइसोजाइम, दिस इज लाइसोजाइम। सेकेंड एग्जाम्पल देखें आप, सेकेंड इज सेलुलेज, सेल्युलेज। अगर आपसे कह दिया गया कि आप प्लांट की सेल को कट करके दिखाइए,
तब लाइसोजाइम तो यूज़ नहीं होगा, तो क्या यूज़ करेंगे? फॉर प्लांट सेल, प्लांट सेल के लिए क्या यूज़ करेंगे? सेलुलेस। तीसरा एग्जांपल देखिए, काइटिनेज। अगर फंजाई की सेल को ओपन करना हुआ, फंजाई से किसी जीन को निकालना हुआ, तो किसका यूज करेंगे? काइटिनेज का यूज करेंगे। फॉर फंजाई, किसके लिए? फंजाई सेल। हम लोग टूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, आप देखिए एक एक टूल्स को कितना सिंप्लीफाई करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिस एंजाइम का यूज़ करेंगे वह एंजाइम लाइजिंग एंजाइम होगा। एक सेल को ओपन करके डीएनए को निकालने के लिए लाइजिंग एंजाइम यूज़ किया जाता है। कितने तरह के लाइजिंग एंजाइम? तीन, लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज। एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल को ओपन करने के लिए लाइसोजाइम, प्लांट सेल को ओपन करने के लिए सेलुलेज, फंजाई की सेल को ओपन करने के लिए काइटिनेज। थ्री एंजाइम्स आर पॉपुलरली यूज्ड। आइए आगे बढ़ते हैं सेकेंड एंजाइम को। पहला तो हो गया, और इसके द्वारा हमने और भी बीच की प्रोसेस होगी, तो एक अगली हेडिंग आएगी प्रोसेस में, उसको समझाएंगे। हमने डीएनए निकाल लिया, मान लीजिए डीएनए निकल गया, ऐसी प्रक्रिया से ओपन करते हुए हम लोग आए, सेल को ओपन किया, वाल को कट किया, मेम्ब्रेन को कट किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कट किया, क्रोमोसोम निकला, क्रोमोसोम में से आरएनए को हटाया, प्रोटीन को हटाया, तो क्या मिल गया? डीएनए। अब हमें डीएनए को कट करना है। सुनिए, अगला सेकेंड है क्लेविंग एंजाइम। नेक्स्ट है क्लेविंग एंजाइम। द एंजाइम विच इज यूज टू कट द डीएनए, द एंजाइम विच इज यूज टू कट द डीएनए, किसको कट करने के लिए? डीएनए को, इज नोन एज क्लेविंग एंजाइम। सेल को कट करना था लाइजिंग एंजाइम, डीएनए को कट करना हो गया, क्या होगा भाई? क्लेविंग एंजाइम। और ये तीन तरह के हैं, कौन कौन सा? एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन तरह के हैं। फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस, सेकेंड इंडोन्यूक्लियस, एंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दे आर थ्री क्लेविंग एंजाइम्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे, और इन तीनों एंजाइम का रोल क्या होगा, क्या इनके स्ट्रक्चर्स होंगे, खासकर से ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे रेस्ट्रिक्शन पर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में,
तब तक बाय।